अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 तारीख को बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश में महिलाएं मनाती हैं, क्योंकि 8 मार्च जो है महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। कहते हैं कि 8 मार्च 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि महिलाएं आज के दौर में किसी से कम नहीं है। आपको बता दें कि हमारे साथ समाज में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे आज भी बेटे और बेटियों में फर्क देखा जाता है, लेकिन आज के दौर में बेटियां सबसे आगे जा रही हैं। हमारे साथ बहुत सारी ब्यूटीफुल महिलाएं हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 8 मार्च का दिन इनके लिए कितना खास रखता है। शुरुआत सबसे पहले मैं आपसे करना चाहती हूँ, नाम क्या है आपका? मायसेल्फ बबीता बीसी, डायरेक्टर डांस फॉर फन। पहले सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे की पूर्व संध्या पर आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ। वैसे तो मेरे हिसाब से हर दिन सम्मान का है हमारा, एक दिन से हमारी संतुष्टि नहीं होती है। हम जब सुबह आंखें खोलें तो किसी रानी की तरह फील करें। एक वाक्य मुझे याद आ रहा है, किसी अंग्रेज ने कहा था स्वामी विवेकानंद से कि आपके यहाँ भारतीय नारियाँ जेंट्स से हाथ क्यों नहीं मिलाती हैं। तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि आपके यहाँ की जो रानी है वो आम जनता में जाके किसी इंसान या मर्द से है ना हाथ मिलाती हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो तो रानी है। तो बस यही हमारी देश की हर लेडी स्त्री नारी एक रानी है, इसलिए वो मर्द से हाथ नहीं मिलाती। तो मेरे हिसाब से हम हर एक नारी है और यही हमारा उद्देश्य है कि हम अपने मान सम्मान के लिए, आत्म सम्मान के लिए हर कार्य करें। वही हमारे यहाँ की जो खूबसूरत लेडी, जैसे आपने कहा, वो हर लेडी यही सोचती है। 8 मार्च बड़ा ही खास होता है महिलाओं के लिए, क्या कहना चाहेंगे? और मैं एक पंक्ति से शुरुआत करूँगी कि मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैंने अपने जज्बे से जमीन पर रहकर आसमान बिछाया। और आजकल की हमारी जो नारियाँ हैं वो इसी जज्बे और जुनून के साथ आगे बढ़ रही है। वो जमाना गया जब बेटियों को रोका जाता था और वो रुकती थी, पर अब वो जमाना नहीं रहा। अब वो जमाना है जब बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं, वो एम्पावर है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रही हैं। और मुझे लगता है कि महिला दिवस की शुरुआत ही इसलिए हुई थी क्योंकि एक टाइम था जब बेटियों को ना वोट देने का अधिकार था और ना ही चुनाव लड़ने का अधिकार था। इनफैक्ट सबसे बड़ा जो उनको अपनी प्रजनन की स्वेच्छा भी नहीं थी कि वो बच्चे पैदा करना चाहती हैं कि नहीं, ये भी उनके पति पर डिपेंड करता था। तो आई थिंक अब ये सब चीज़ों से हम काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं और इसीलिए हम महिला दिवस मनाते हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ महिला दिवस महिलाओं के लिए नहीं है, ये पुरुषों को भी ये बताने के लिए है कि अब हम बराबर चाहेंगे। अच्छा, वो उन महिलाओं, उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पे उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है? डॉक्टर जी, जिनको पढ़ाया नहीं जाता है ये उनके घर वालों की कमी है। उनको वो स्वयं एजुकेट हैं, वो ऐसा नहीं, ऐसा हो भी नहीं रहा है, पढ़ाया जा रहा है जहाँ तक मैं देख रही हूँ, लेकिन जहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि हर एक दिन वुमेंस का हो। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो बच्चियाँ नहीं पढ़ पाती हैं उनके ससुराल वालों का दबाव है, तो उसके लिए पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। वहाँ पे भी एक महिला है जो उसकी माँ है, जो उसके बाप हैं, उनको उनके उस बच्ची के लिए स्टैंड लेना चाहिए। आजकल तो वैसे भी सब लोग अपना पैसा पावर सब बच्चियों के लिए लगा रहे हैं। पहले हमारे देश में ऐसा बहुत होता था कि बेटों को पढ़ाया जाता था, बहुत कुछ कराया जाता था, लेकिन बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता था और वो सुविधाएँ भी नहीं दी जाती थी। लेकिन अब समय बदल गया और हमारी सोच भी बदल गई है, पेरेंट्स भी बदल गए हैं, वो बेटियों से ज़्यादा बेटियों। मैं ये कहना चाहूँगी कि सारी बेटियों के लिए कि उन्हें खूब पढ़ना चाहिए और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, उन्हें चाहे वो शादी के पहले हो या शादी के बाद, खुद कमाएं, डिपेंड नहीं रहें अपने ससुराल वाले पे, अपने हस्बैंड वाले पे। हल्दियाँ तो खुशी इतनी पेशर है हमारे समाज के लिए, उनको तो पढ़ना ही चाहिए और वो पढ़ना चाहती भी है। और अब पहले की तरह समय भी नहीं रहा कि पेरेंट्स हो या इन-लॉज हो वो बेटियों को ना पढ़ाएं, मतलब पढ़ा रहे हैं और वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। बेटों, हमारे बेटों ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रही हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर कर रही हैं। लवली सिंह है, मेरे भी दो बेटियाँ हैं, मेरे दो बेटियाँ हैं और मैं बहुत अपने आप को ग्रेटफुल समझती हूँ कि भगवान ने मुझे दो बेटियाँ दिया है। आज महिला दिवस है तो महिला दिवस पे आप एक अच्छा कविता महिलाओं के लिए सुना दीजिए। वैसे तो महिलाओं के लिए हमेशा से हम लोग ट्रेडिशनल तरीके
की कविताएं पढ़ते आ रहे हैं, बट मैं चाहती हूँ जो आजकल की विमेंस है तो मैं उनके लिए मतलब वो क्या फील करती है, एक औरत अपने नज़रिए से क्या फील करती है और कैसा एक औरत को होना चाहिए, उस पर ऐसी कुछ पंक्तियाँ हैं तो मैं सुनाती हूँ। एक औरत जो जीने के लिए आतुर है, अल्हड़ मस्त मनमौजी है, जिंदा दिल जिद्दी और थोड़ी सी जंगी है, खुलकर रोती है और बेशर्मों की तरह ठहाके लगाती है। वो ये नहीं सोचती कि हंसना तो सिर्फ मर्दों का काम है, इसलिए बेशर्मों की तरह ठहाके लगाती है, जिंदा दिल जिद्दी और थोड़ी सी जंगी है, जो सही को सही और गलत को गलत ठहराती है। एक औरत जो जीने के लिए आतुर है, जो दुनिया की तमाम फिक्रों से नाता तोड़कर जिंदगी खुद के लिए जीना चाहती है। एक औरत जो जीने के लिए आतुर है।